बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक परमेश्वर ने हमें दिया है और वह है कि नए और पुराने मसीहों के लिए वचन। हालेलुया, नए और पुराने मसीहों के लिए वचन। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये वचन के द्वारा जिन्होंने आशीष को पाना है, इस वचन के द्वारा उन्होंने ब्लेसिंग को पाना है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु महान है, वह राज्यों के राजा है, प्रभु के प्रभु है, वह सर्वशक्तिमान है, विद्यालय है, अनुग्रहकारी है। अगर हम पढ़ते हैं मरकुस 10:46, इसको ध्यान से समझें कि इस व्यक्ति ने चंगाई कैसे पाली। हालेलुया, इस व्यक्ति ने ब्लेसिंग कैसे पाली, इस व्यक्ति ने चंगाई कैसे, चंगाई को पा लिया। हालेलुया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नए लोग आते हैं प्रभु के भवन में और वह चंगाई नहीं पा पाते हैं, और वो क्यों नहीं पा पाते हैं, और कुछ पुराने लोग होते हैं मसीह में कि उनकी चंगाई भी रुक जाती है। हालेलुया, लेकिन आज इस वचन से हम समझेंगे कि कैसे हम लोग चंगाइयों को, ब्लेसिंगों को, आशीषों को पा सकते हैं। हालेलुया, अगर आप पढ़ते हैं मरकुस 10:46-52 तक, और यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक अंधे भिखारी के बारे लिखा गया है। हालेलुया, कि एक अंधा भिखारी था, वो बचपन से ही अंधा था, लेकिन उसका जीवन एक अंधकार में था कि अंधकार अंधकार और अंधकार, लेकिन इसके जीवन में चमत्कार देने के लिए इसके पास क्या था? इसके पास कोई रास्ता दिखाने के लिए नहीं था, इसको कोई कहीं भी ले जाने वाला नहीं था, लेकिन इसके पास सुनने, जो सुनता था ये, वो इसके पास एक रास्ता था। हालेलुया, और वह क्या सुनता था? अंधा था फिर भी सुनने के द्वारा इसने चंगाइयों को, चमत्कार को पाया। हालेलुया, और वो क्या सुनता था? वो ये सुनता था कि कोई प्रभु यीशु मसीह है जो चमत्कार करते हैं, कोई प्रभु यीशु मसीह है जो आशीष देते हैं, कोई प्रभु यीशु मसीह है जो चमत्कार करते हैं, कोई प्रभु यीशु मसीह है वो चमत्कार करते हैं। इसने ये विश्वास रखा हुआ था कि कोई प्रभु यीशु मसीह है चमत्कार करते हैं, वो अंधों को आँखें देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया, और आखिरकार क्या हुआ कि इसी के एरिया में, समझ लो इसी के गांव के अंदर क्या हुआ, और प्रभु यीशु मसीह से मिले। हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह इसे वहां पर मिले, तो देखिए ये कहीं जा तो सकता नहीं था, लेकिन उसी रास्ते से जब इसको पता लग गया कि यहोवा परमेश्वर आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तो इसके पास थी वो चंगाई पाने की क्षमता, चंगाई पाने की आशीष। हालेलुया, ये वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पुकार पुकार कर कहने लगा, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पे दया कर, प्रभु यीशु मसीह मुझ पे दया कर, प्रभु यीशु मसीह मुझ पे दया कर। और वहाँ पर लिखा कि बहुत सी भीड़ ने उसे डांटा, पीछे धक्का भी मारा कि तो पीछे हट जा, तो पीछे हट जा, तो पीछे हट जा, लेकिन ये और भी पुकारने लगा और ऊंचा पुकारने लगा। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उसे बुलाओ। हालेलुया, वचन कहता है तब प्रभु यीशु मसीह ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया, वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और प्रभु यीशु के पास आया। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि नए और पुराने विश्वासियों के लिए, कि यहाँ पर आप इसकी गहराई को समझें। अगर आप नए हैं, अगर आप प्रभु में आ रहे हैं, तो वचन कह रहे हैं कि जब वह प्रभु को पुकार रहा था तो बहुत ने उसे डांटा। आपके जीवन में भी ऐसा होता, अगर लोग आपसे कहेंगे तुम गलत रास्ते जा रहे हो, तुम उधर क्यों जा रहे हो, तुम्हारा ये है वो है, बहुत सी बातें बोलेंगे कि तुम गलत रास्ते जा रहे हो, तुम गलत रास्ते जा रहे हो। लेकिन जब आप दुखी हो, जब आप परेशान हो, जब आप निराश हो, तो तब क्या आपके पास कोई आया आपको तसल्लियाँ देने के लिए,
या आपको पापों से निकालने के लिए, या आपका जीवन बदलने के लिए, या आपके जीवन में आशीष लाने के लिए, या आपका मन बदलने के लिए कोई आपके पास कोई भी नहीं आया। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हो तो यहाँ तक कि पड़ोसी भी खड़े हो जाते हैं कि तुम गलत रास्ते जा रहे हो। लेकिन जब मुसीबत में हो तो आपको मुसीबतों में देखते भी हैं और खुश भी होते हैं, चलो सही है, इनके साथ बुरा हो रहा है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हो तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको डांटते हैं, और बहुत से नए लोग ऐसे हैं जब उनको डांट पड़ती है तो वहीं का वहीं रुक जाते हैं। सही है, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाना, ठीक है। लेकिन वहाँ पर वचन कहता है उससे बहुतों ने डांटा, लेकिन उसका जो विश्वास था वो था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया, उसका विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और उसको पूरा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे। अगर आप पूरे रीति के साथ चमत्कार के बारे में सोचकर आते हो कि हाँ मेरे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, मेरे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, मेरे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, तो चमत्कार आपका है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जब वो रुक जाता, अगर उसको लोग डांटते, अगर वो रुक जाता तो उसका जीवन में चमत्कार नहीं होता। हालेलुया। अगर मैं अब बात करता हूँ पुराने लोगों की, यहाँ पर वचन कहता है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसे बुलाओ। तब लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा ढांढस बांध, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा। वो कपड़े में क्या था, मैंने आपको पहले बताया था, उस कपड़े में उसका भविष्य था, फ्यूचर सब कुछ उसके अंदर था, क्योंकि उस कपड़े के अंदर चटाई के ऊपर उसके ऊपर खाना होता था, आटा होता था, पैसा होता था, कुछ भी लोग रखे जाते थे जब वो बाहर बैठता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसने उस कपड़े को फेंक कर क्या हुआ, प्रभु का पीछे हो लिया। हालेलुया। बहुत से जो पुराने मसीह के लोग हैं वो कपड़ा नहीं फेंकना चाहते, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, वो अपने पुराने ही रीति रिवाजों के साथ, पुराने ही बोझ के साथ चलते रहते हैं। मान लो उनको कोई रोग था, ठीक है, आज वो प्रभु यीशु मसीह में है 5 साल से, लेकिन उनका जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है, वो उन्होंने उस बोझ को उठा रखा है। मान लो किसी का पति वो घर में प्रॉब्लम डालता था, और आज भी 5 साल हो गए हैं, आज भी वही प्रॉब्लम है। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं चलता था तो आज भी 5 साल हो गए आपके घर में वो बिजनेस नहीं चल रहा है। अगर आपके संतान नहीं थी तो आज भी 10 साल हो गए आपके पास संतान नहीं है। अगर आपका पैसा भी रुकता नहीं था तो आज भी नहीं रुक रहा है। इसका मतलब अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहना है, आपने उसी बोझ को अपने ऊपर उठा के रखा हुआ है। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो जा रहा है, अपनी चिंताओं को फेंककर, अपने बोझ को फेंककर, अपनी परेशानियों को फेंककर, अपनी निराशाओं को फेंककर, अपनी बोझ को फेंककर, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भाग रहा है वो। हम लोग क्या करते हैं, हम हमारा बोझ और चिंताओं को उठाते हैं और प्रभु के भवन में भी जाते हैं, और वापस अपने बोझ और चिंताओं को, समस्याओं को, संगठन को उठाकर वापस अपने घर पर जाते हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं कहते कि परमेश्वर शांति का दाता है। हालेलुया। प्रभु पास जाएं, अपनी हर एक समस्या, हर एक बोझ प्रभु पर डालकर आएं, लेकिन आप प्रभु पर डालते नहीं हो। हालेलुया। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, वो बेचारे बोझ डाल देते हैं पहले प्रभु के ऊपर, ठीक है प्रभु जी मेरा ये बोझ अपने ऊपर उठा लो, फिर थोड़ी देर बाद सोचते हैं मेरे ऊपर बोझ तो अभी भी है, बोझ तो हटा ही नहीं है, मेरा बोझ प्रभु ने उठाया नहीं क्योंकि मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। जब आप ऐसी बातें करते हो इसका मतलब अभी तक आपका वो बोझ आपके ऊपर ही है। सीधा विश्वास कहें, इसने सब कुछ फेंक दिया, इसने ये नहीं कहा पड़ोसी से कि भाई साहब तू मेरे ये कपड़ा पकड़ के रख, अगर तो मैं चंगा हो गया तो ठीक है, अगर मैं चंगा नहीं हुआ तो क्या होना, तू ऐसा क्या करना, वापिस मेरा कपड़ा पकड़ ले, मैं तेरे पास आकर वापिस कपड़े ले लूँगा और वापिस बैठ जाऊँगा। लेकिन नहीं, उसने अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और चमत्कार को उसने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। उसने कपड़े को पकड़ा और चमत्कार को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। कपड़े को पकड़ कर फेंका और चमत्कार को ग्रहण कर लिया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा चमत्कार चाहते हैं, इस बात की गहराई को समझें। अगर तो आप नहीं हैं मसीह में तो बहुत लोग आपको डांटेंगे, बहुत लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये बात समझें कि एक ही उद्धारकर्ता और एक ही मुक्तिदाता जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जो पुराने लोग हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु में पुराने हैं तो आप आज तक अपने बोझ को उठाकर ही घूम रहे हो, उस कपड़े को फेंकें, क्योंकि वहाँ पर लास्ट में वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ,
उसने कहा, हे रब्बी, यही कि मैं देखने लगूँ। उसकी एक ही तो संकट था, एक ही तो समस्या था कि मैं, मेरी आंखें आ जाए, मैं देखने लगूँ। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, जा, तेरे ही विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, उसके विश्वास ने ही उसे चंगा कर दिया। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, अद्भुत ब्लेसिंग देना चाहते हैं, आपको जीवन में हरा भरा करना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि आप अपने जीवन में हरा भरा होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मैंने आपको वचन में से साफ साफ बातों को शेयर किया आपके साथ कि जब आपने चलना है प्रभु में, किस तरह चलना है। अपने आँखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप महान हैं, आप राजाओं का राजा प्रभु के प्रभु हैं, मेरे पिता सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम कपड़ा उठाने वाले नहीं बल्कि कपड़ा फेंकने वाले हो मेरे पिता। हम अपना कपड़ा संभाल के रखने वाले नहीं कि यहाँ से ठीक हो गए, ठीक नहीं तो किसी और पास जाएंगे, बल्कि हम उस कपड़े को फेंकने वाले हैं मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, जो भी मेरी प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, अब उनसे बात करें मेरे पिता, उनके जीवन बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में बदलाव आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, उनके संकट हटाए जाए, उनके बोझ हटाए जाए मेरे पिता, इस वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन दो धारी तलवार है जो गुद्दे गुद्दे को अलग करता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं मेरे पिता। इन लोगों पर दया करो मेरे पिता, इन लोगों को ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरी इस प्रार्थना को सुनो मेरे पिता। आपका वचन कहता है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ। उसने कहा, हे रब्बी, यही कि मैं देखने लगूँ। आप इनसे कहते हैं, बोल मैं तेरे लिए क्या करूँ। इनकी समस्या संकट ये आपके अगर रख रहे हैं, उनके बोझ को मेरे पिता अपने ऊपर उठा ले, उन संकटों को आप अपने ऊपर उठा ले मेरे पिता, और इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाएँ और आशीष को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका जीवन बदल जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।